माल्या और नीरव मोदी को भूल जाएंगे जब आप हिंदुस्तान के सबसे बड़े घोटालेबाज के बारे में जानेंगे। जी हां, प्रवर्तन निदेशालय की जांच में ये एक बड़ा खुलासा हुआ है और पता चला है उस शख्स के बारे में जिसने हजारों करोड़ का बैंक फ्रॉड किया। ये है संदेसरा ग्रुप का मालिक, जिसकी विदेशी कंपनियों ने भारतीय बैंकों से हजारों करोड़ रुपए का फ्रॉड किया है। स्टर्लिंग बायोटेक यानी SBL के संदेसरा भाई नीरव मोदी और विजय माल्या के बाप निकले। गुजरात की फार्मा कंपनी SBL के प्रमोटर नितिन संदेसरा, चेतन संदेसरा और दीप्ति संदेसरा ने भारत में बैंकों से करीब 14,500 करोड़ रुपए का फ्रॉड किया, जबकि नीरव मोदी ने PNB से 11,400 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की थी, यानी नीरव मोदी से भी बड़ा बैंक फ्रॉड। ईडी के मुताबिक इन भाइयों ने कारोबार के लिए कर्ज लिया था और सब पैसा डकार गए। SBL और प्रमोटरों के खिलाफ CBI ने अक्टूबर 2017 में धोखाधड़ी और 5,383 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड का केस दर्ज किया था। इसके आधार पर ईडी ने भी मामला दर्ज किया। ईडी की जांच में पता चला कि संदेसरा ग्रुप की विदेशों में कई कंपनियां हैं और इन कंपनियों के नाम पर 9,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया गया है। ईडी का ये भी कहना है कि जांच की रकम दूसरे कामों में खर्च की गई, यानी जिस काम के लिए पैसा लिया गया उसकी जगह दूसरे धंधों में पैसा लगा दिया गया। संदेसरा बंधुओं ने भारतीय बैंकों के कर्ज की रकम नाइजीरिया के तेल कारोबार में लगाई और निजी इस्तेमाल में भी। बुधवार को ईडी ने संदेसरा ग्रुप की 9,778 करोड़ रुपए की संपत्तियां अटैच की। इसमें नाइजीरिया में ऑयल रिंग्स, लंदन में एक जेट और आलीशान फ्लैट भी शामिल है। SBL के प्रमोटर नितिन संदेसरा, चेतन संदेसरा और दीप्ति संदेसरा विदेश भाग चुके हैं।